वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हो, ये टामरिन का प्लांट है दोस्तों। वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुआ है। हमने उसको वायरिंग नहीं किया था उस वक्त जब उसका वीडियो बनाया था। अब मैं सोच रहा हूँ आज उसका वायरिंग किया जाना चाहिए, क्योंकि अब जो ब्रांच है वो मैच्योर हो चुकी है। तो एसी ब्रांच है तो अच्छे से हम वायरिंग कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबल प्लांट है, तो आप अच्छे से उसको अच्छी तरह से बेंडिंग कर सकते हैं। किसी को पसंद नहीं आता बेंडिंग करना, मगर जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसका लुक नेचुरल ही लगेगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायरिंग करने की। तो देखते हैं वायरिंग कैसे की जानी चाहिए। तो पहले हमें ब्रांच की प्लेसमेंट देखनी है, कहाँ है ब्रांच। यहाँ इक्विवेलेंट ब्रांच है, यानी एक दूसरे में हम एंकर नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ कहीं दूर एंकर पॉइंट नहीं है, तो हमें कहीं यहाँ से एंकर करना होगा और दोनों ब्रांचों के लिए अलग अलग वायर लेना होगा। तो इस तरह से हम वायरिंग करेंगे। तो चलिए मैं एंकर कर लेता हूँ। जब कहीं एंकर पॉइंट नहीं होता तो मैं कुछ अलग तरीके से एंकरिंग करता हूँ। यहाँ हम बाइंडिंग करके भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मैं ले लूँगा। ये मेरा तरीका है, जब वायरिंग के लिए एंकर पॉइंट ना हो तो मैं इस तरह से कभी कभी वायरिंग के लिए एंकरिंग पॉइंट ले लेता हूँ। तो यहाँ से सीधा जाता हूँ यहाँ, और वायरिंग करने लगूँगा मैं यहाँ से। ये अलग गलत भी हो सकता है, मगर मैं ऐसे करता हूँ बहुत सी बार। तो चलिए मैं वायरिंग पूरा कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने बड़ी ब्रांच को डायरेक्टली दूसरी ब्रांच से एंकर कर दिया, और दूसरा वायर मैंने थोड़ी पतली ब्रांच है तो यहाँ मोटी ब्रांच से ही एंकर कर लिया है, और ये टिकेगा क्योंकि ये इतनी सख्त ब्रांच नहीं है। तो चलिए सब ब्रांचों को मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो पतली ब्रांचों को जहाँ भी वायर होगा वहाँ आपकी उंगलियाँ फॉलो करनी चाहिए इस तरह से। जैसे वाइंडिंग बढ़ेगा हमारा दोनों उंगली ऑटोमेटिकली वायर को फॉलो करनी है, और पूरा हाथ घुमाना है, और जहाँ वायर ख़त्म होगा वहाँ हमें एक लॉक बना लेना है इस तरह से लूप। और वायरिंग यहाँ हमने अभी एंकर नहीं किया, बेंडिंग के वक्त मैं दिखता हूँ। तो चलिए दूसरा वायर लपेट लेते हैं। तो हमेशा इस तरह से अगर आती है दूसरी ब्रांच पे जाना, तो ब्रांच के नीचे से ही वायर ले। यहाँ देखिए ये वायर नीचे से आ रहा है सामने की ओर, और वहाँ आप यहाँ से सीधा नहीं ले सकते, नहीं तो यहाँ से आप सीधा नहीं ले सकते, नहीं तो ये ओवरलैप हो जाएगा। तो यहाँ पहले जो वायर है उसी के हिसाब से हमें आगे चलना होगा। तो इस वायर को हमें फॉलो करना है, पहले वाले वायर को, और बाद में हमें कंटिन्यू करना है वायरिंग। और दोनों उंगलियाँ बराबर फॉलो करनी चाहिए वायर के वाइंडिंग के साथ। इमली बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबल प्लांट है, तो अच्छे से वायरिंग करेंगे हम, और ट्विस्टिंग भी करेंगे। अगर बहुत ही पतली ब्रांच है तो उसको बहुत ही संभालना होता है। जिस वक्त आप वाइंडिंग ले, वायर के साथ ब्रांच मोड़नी नहीं चाहिए। ये देखिए बिल्कुल भी टेंडर ब्रांच नहीं है, ये बहुत ही सॉफ्ट है, अभी अभी फूटी है। अगर उसके साथ भी हम वायरिंग कर रहा हूँ मैं, तो उस जब हम वाइंडिंग ले टाइट नहीं होना चाहिए, उसे एयर वायरिंग भी बोल सकते हैं हम। इस तरह से हम कर सकते हैं छोटे से छोटे बट्स के साथ। अगर वायर मोड़ते वक्त बिल्कुल भी ब्रांच मोड़नी नहीं चाहिए, नहीं तो डैमेज हो सकती है। यहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ, यहाँ अब केवल एक ही ब्रांच बची है,
और यहाँ एक ब्रांच दिखाई दे रही है पीछे वाली ब्रांच में जो कि अनवांटेड है, उसको मैं निकाल दूँगा। ये एक अनयूजुअल सी स्टाइल बनाई है मैंने। तो चलिए यहाँ एक केवल एक ब्रांच बची है, उसको वायरिंग कर देते हैं। पहले देखिए वायरिंग हो चुकी है, एंकरिंग देखेंगे हम। यहाँ इन दो ब्रांचों में एंकर किया गया है। नियम रूल्स है कि यहाँ से जब पतली ब्रांच हो जाती है तो वहाँ तक ही वायरिंग करना चाहिए, मगर उसको मैंने वायर वहाँ तक ले गया हूँ। मैं इस ब्रांच को मैंने पीछे से एंकर किया है यहाँ से। तो एंकर करना बहुत ज़रूरी है, और एंकरिंग के वक्त मेरा कोई भी वायर ओवरलैप नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जहाँ भी देखेंगे मैंने कोई भी वायर एक के ऊपर एक नहीं चढ़ाया है, जो भी वाइंडिंग है उसी को ही फॉलो किया है। तो इस तरह से प्रॉपर वायरिंग करें दोस्तों। फिर क्या है कि प्लांट अपने आप शेप लेने लगेगा। और टामरिन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जहाँ से दो ब्रांच बनती है, यानी कि यहाँ का वी शेप, वो एक ही लेवल में होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तभी ब्रांच अच्छे से ग्रो हो पाता है। यानी एक ही प्लेन में, एक ही लेवल में होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो तो वर्टिकल, कोई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऊपर नीचे हुई तो ऊपर वाली ब्रांच में सब न्यूट्रिशन जाएगा और नीचे वाली ब्रांच डाइबैक हो जाएगी। तो वही हमें मेंटेन रखना है। इस तरह से, और बाद में हम यहाँ का जो वी सेक्शन है उसको पूरा हम नीचे ले सकते हैं इस तरह से। मगर यहाँ जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ एक लेवल में होना चाहिए। और वाइंडिंग मैंने कैसे किया है, पीछे से आगे लेके की है, पीछे से आगे, तो उसी के तहत हमें उसको इस तरह से बेंडिंग करना है। अब बेंडिंग करते वक्त क्या करना है, ब्रांचों को केवल प्लेस करना है। ये ब्रांच यहाँ है तो उसको हम इस तरह से मोड़ते हुए, खाली दाएं बाएं नहीं करनी है ब्रांच को, यहाँ प्लेस कर दिया। ये हो गई हमारी यहाँ की फर्स्ट ब्रांच, और इसी तरह हमें आगे आते हुए, अगर ये पतली ब्रांच है तो उसको हम पूरी नहीं मोड़ना चाहेंगे, तो ये ब्रांच अपने आप अपना यहाँ आ गई है, तो उसको हमें कोई दिक्कत नहीं, वो उसने अपना स्थान ले लिया है। और यहाँ है दूसरी ब्रांच, तो यहाँ से हमारा बैंड बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसी और ऐसा करते वक्त एक ही जगह से ब्रांच ज़्यादा मुड़ ना जाए, जैसे कि यहाँ होने वाला था, ऐसा अवॉइड करें, नहीं तो ब्रांच ब्रेक हो सकती है। तो इस तरह से क्रूस होना चाहिए। यहाँ ध्यान में रखना है लेवल एक ही हो दोनों ब्रांच का, यहाँ लेवल एक ही होना चाहिए जहाँ मेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ब्रांच धीरे धीरे नीचे चलती जाती है। अब ये शाम का वक्त है, यानी प्लांट का सोने का टाइम है। आप दोपहर में वायरिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा, मगर मेरा वर्किंग शेड्यूल थोड़ा चेंज हो गया है, तो मुझे शाम को या सुबह को ही काम करने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा शोर भी होगा मेरे वीडियो में, क्योंकि चंगादड़ यहाँ से चिंगाड़ते रहते हैं, नज़दीकी है, थोड़ा शोर होगा। तो इस तरह से प्लांट को हमें केवल ब्रांचों को प्लेस करना है दोस्तों, मोड़ते हुए। इन अगर ब्रांच नहीं है तो इंटर नोड को प्लेस करें। ब्रांच पूरी भी घुमा सकते हैं हम, मगर उसकी जो टिप है वो अंत में ऊपर की ओर, ऊपर की डायरेक्शन में कर देनी है, इस तरह से थोड़ी ऊपर की ओर, या पत्ते ऊपर की ओर आ जाए तो भी अच्छा है। तो इसी तरह से हमें सब ब्रांचों को प्लेस करना है, तो जो शेप है वो अपने आप आ जाएगा दोस्तों। अब बारी आती है दूसरे ब्रांच की। जब ब्रांच जहाँ से शुरू होती है वहाँ से प्रोग्रेसिवली वो नीचे होती चली जाती है,
मगर शुरुआत के दो जो वी है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए और इस तरह से यहाँ ब्रांच है तो यहाँ से हम मोड़ लेंगे और यहाँ एक ब्रांच आ गई तो वहाँ से हम लेते हैं और यहाँ एक ही साइड में ब्रांच है तो उसको थोड़ा ट्विस्ट करके दूसरी ओर करना होगा, मगर संभालते हुए क्योंकि अब ब्रांच पतली होती जाएगी वैसे वैसे वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो यही करना है दोस्तों, जो वी बना है वो एक प्लेन में, अब ये छोटा है तो उसको थोड़ा सा हाइट पे करते हुए यहाँ से हम थोड़ा तो सीधा लेना ही पड़ेगा इस यहाँ जो वी बनता है उसको, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ होता है। मैंने देखा है मेरा बहुत अच्छा प्लांट है डाइबैक हो गया और ये जो प्लांट है उसको मैंने वीपिंग स्टाइल में स्टाइल किया था मगर सब बर्बाद हो गया यानी डाइबैक हो गए सब ब्रांच, तो मैंने इस तरह से जो भी ब्रांच बची थी उसमें से इस तरह से स्टाइल कर दिया। मैं वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस वीडियो की लिंक। अंत में ब्रांच ऊपर की ओर दिखनी चाहिए तो इसी तरह से हमें कुछ स्टाइल बनानी है। केवल ब्रांच या इंटर नोड को प्लेस करना है प्रॉपर पोजीशन में। अगर बेंड के यहाँ कोई लीफ आता है तो वहाँ से जल्दी से निकलेगा बड्स। तो इस तरह से कुछ मैंने डिज़ाइन किया है ये प्लांट, देखिए। अब दिक्कत ये है कि अभी प्लांट को नींद आ गई, यानी अब शाम के 6 बजने वाले हैं और सब प्लांट के लीफ अब डाउन हो जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी मुझे कि वो प्लांट असल में कैसा लगेगा वो नहीं दिखा पाऊँगा मैं, अगर हम कल देखेंगे इसके वीडियो को कंटिन्यू करूँगा मैं। ये ब्रांच थोड़ी लंबी है तो मैं उसको कट कर लेता हूँ। तो एक तरह से कह सकते हैं वीपिंग स्टाइल की तरह यहाँ स्टाइल हुआ है, सब मास एक जगह पे आ गया है। तो चलिए उसको प्लांट को जगने देना पड़ेगा, काम करते करते ये सो गया, जैसे बार लोग की कटिंग करते वक्त किसी को नींद आ जाती है। चलिए देखते हैं उसका उठने के बाद। तो देखिए दोस्तों, अभी उसके पत्ते खुल चुके हैं और ये जग चुका है, तो मैंने कुछ यहाँ ब्रांच का प्लेसमेंट किया है, वो देखिए किस तरह से हमें प्लेसमेंट करना है। उसको मैंने कुछ ब्रांच को ऊपर नीचे करके मैं ट्राइगोनल नहीं बनाने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा करते ही ये प्लांट जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये जो वी शेप आप देख रहे हो ब्रांच में वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, समतल में होना चाहिए। ये देखिए, ये अगर उसका समतल बिगड़ा तो यहाँ जो भी ताकतवर होगा वही सर्वाइव रहता है, इसे मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर किसी के पास और भी टिप्स है तो मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।